नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है संचारी रोग। संचारी रोग यानी संक्रामक रोग, रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोवा, जीवाणु, विषाणु, कवक यानी फंगस आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। संचारी रोग एक से दूसरे में बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं। बहुत तेज़ हवा और पानी के साथ मिलकर ये एक से दूसरे में अत्यंत तेज़ी से फैलने की शक्ति रखते हैं और इनका प्रभाव मानव शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है। विशेष रूप से छोटे बच्चे और बूढ़े इसके संपर्क में जल्दी आ जाते हैं क्योंकि संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता इनकी बहुत कम होती है। आइए जानते हैं कि इसके उदाहरण क्या हैं। मलेरिया, चेचक, हैजा, खसरा, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, पीत ज्वर इसके उदाहरण हैं। आइए इसी संचारी रोग के ही संबंध में आज के सबसे भयावह विषाणु COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में भी हम जानते हैं। कोरोना वायरस यानी COVID-19 का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिससे सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम तथा सांस लेने की तकलीफ हो सकती है और आजकल हम इस समस्या को झेल भी रहे हैं, तो इससे हमें सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। ये कोरोना वायरस एक से दूसरे में बहुत तेज़ी के साथ फैल जाता है। ये कोरोना वायरस चीन में दिसंबर में वुहान में शुरू हुआ था, इससे पहले अभी तक कोरोना वायरस नहीं देखा गया। कोरोना वायरस का कोई भी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस में WHO के अनुसार ये बताया गया है कि बुखार, सर्दी, जुकाम और गले में खराश, नाक बहना आदि इसके लक्षण दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे रोगी इससे क्षतिग्रस्त होने लगता है और इसकी चपेट में आ जाता है। यह कोरोना वायरस वर्तमान में बहुत ही तेज़ी से एक से दूसरे में फैल रहा है, इससे विशेष रूप से इससे सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। विशेष रूप से उन अधिक आयु के लोगों को जो पहले से ही डायबिटीज़ और हृदय रोग से संक्रमित हैं, उन्हें अपना विशेष रूप से बचाव करने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी टीका अभी कोई भी टीका इसका अभी तक उपलब्ध नहीं है और ना ही ये वायरस अभी तक देखा गया है, तो हमें इसे विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए अब हम इस संचारी रोग या संक्रमित रोग से रोकथाम के उपाय भी जान लें। तो क्या है, सबसे पहले हमें अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बरसात के शुरू होते ही यदि आसपास कोई नालियां टूटी फूटी हैं तो उनकी मरम्मत करनी चाहिए, जल भराव को रोकना चाहिए और नालियों की मरम्मत और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हमें आसपास के क्षेत्र में कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और इसके अतिरिक्त हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, जहाँ तक हो सके गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता अत्यंत अनिवार्य है, जैसा कि कहा भी जाता है और कि हम घर पर जब बाहर घर से जब बाहर निकले तो अपने हाथों को ज़रूर धोएं, सैनिटाइज करें, तो ये इसीलिए कि जिससे स्वच्छ इस विषाणु का हमारे तक कोई भी संपर्क ना हो पाए और हम स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान रखें इस कोरोना वायरस के चलते हुए। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों को हम टीका ज़रूर लगवाएं और आसपास के वातावरण में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, लोगों को गंदगी फैलाने के लिए समय समय पर निर्देश देते रहें। इसके अलावा हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हमें काढ़े का प्रयोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम कोरोना जैसे वायरस से संचारी रोगों से अपने आप को बचा सकेंगे और विषैले मच्छरों के रोकथाम की भी हमको पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कोरोना वायरस से संचारी रोगों से अपने आप को बचा सकेंगे, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे। तो आइए इस संचारी रोग और विशेष रूप से कोरोना वायरस से बचने के लिए हम एक संकल्प लेते हैं। आओ हम सब मिल संकल्प करें, आओ हम सब मिल संकल्प करें, कोरोना जैसे भयावह विषाणु से, कोरोना जैसे भयावह विषाणु से सतत संघर्ष करें। धन्यवाद।